वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। और आज हम लोग आ चुके हैं यूनिट मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 12 में। लेक्चर नंबर 11 तक हम लोगों ने क्या देखा था, पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। वहां पे बच्चों हम लोगों ने देख लिया था कि एरर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो एरर के टाइप्स में हम लोगों ने देखा था कि पहला निर्देश त्रुटि क्या होता है, दूसरा हमने देखा था अपेक्षित त्रुटि क्या होती है, और उसी में हमने एक और बात जानी थी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। आज हम लोग उसी पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो आइए पहले समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। माने ठीक है, कोई पेंच मापी मान लेते हैं किसी, पेंच मापी मतलब जानते ही हैं क्या होता है, स्क्रू गेज। पेंच मापी का अल्पत मान आप जानते हो, अल्पत मान 0.001 सेंटीमीटर है, जिसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा गया, ठीक है। अब इस मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं है, बस 100 से कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले तो हम लोग देखें कि क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट है उसको हम मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स, ठीक है, अल्पत मान को, इसको निरपेक्ष भी कहते हैं बच्चों, तो 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू यहां पर दिया है 0.225 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो यहां से आप प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत अपेक्षित त्रुटि निकाल, प्रतिशत अपेक्षित त्रुटि निकाल। जो अच्छी अपेक्षित त्रुटि नहीं जानते वो पिछले जा करके लेक्चर्स को देख करके वहां से फॉर्मूला देख लें, ताकि वो चीजें आसान हो जाए आपको, ठीक है। डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो बच्चों डेल एक्स की वैल्यू 0.001 और यहां पर 0.225 इंटू 100 कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं बता दूं बच्चों, आज मैं फिर रिपीट कर दूं कि जो चीजें हम आज पढ़ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, पिछले टॉपिक से भी ज्यादा है, इसलिए बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा आगे। तो आइए, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होता है कि किसी सरल लोलक के प्रयोग में, ये सरल लोलक क्या होता है मैं बता दूं आपको, एक कोई छोटा सा धातु का गोला लेकर के ऐसे बीच में लटका दिया जाता है लैब में, और उसको ऐसे हम लोग कंपन कराते हैं, जब वो इधर से इधर पूरा घूम के आता है तो उसे एक कंपन या एक दोलन कहते हैं। एक दोलन में जितना टाइम लगता है उसे घड़ी से चेक करते हैं, और हर कंपन में जो टाइम लगता है उसे हम उस दोलनों के टाइम को नोट करके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं तो हमें एक दोलन में लिया गया समय मिल जाता है, उस समय को हम लोग कहते हैं आवर्त काल, ठीक है। किसी सरल लोलक के प्रयोग में लोलक के निम्नलिखित, लोलक के निम्नलिखित प्रेक्षण, लोलक के निम्नलिखित प्रेक्षण में आवर्त का क्रमशः 1.23 1.36 सब सेकेंड में, 1.28 1.35 और 1.32 सेकेंड प्राप्त हुए, कितनी बार दिया गया होगा आपको आइडिया लगा, 1, 2, 3 और 4, 5 बार दिए गए होंगे प्राप्त हुए। प्रयोग से आवर्त काल में मापन की निरपेक्ष त्रुटि
छुट्टी तथा आपेक्षिक प्रतिशत होगी, आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन पहले देखेंगे कि ये सब क्या क्या चीजें हैं। ये T1 होगा, ये कैपिटल T2, ये कैपिटल T3, ये कैपिटल T4, ये कैपिटल T5। तो पहले तो आप एक काम करें, सारी वैल्यूज को आप ऐसे कुछ तरीके से नोट करके रखें, ठीक है, और फिर उसके बाद इस पर हम आगे बातें करेंगे। T4 की वैल्यू 1.35 और T5 की वैल्यू 1.32 और ये सब की वैल्यू किसमें है? सेकंड में है बच्चों, ठीक है, सेकंड में। अब क्या करना है, जब हमारे पास सारे टाइम पीरियड मौजूद है तो इन सारे टाइम पीरियड को लेकर के पहले हम निरपेक्ष निकालेंगे, किस करेंगे, लेकिन निकलेगा कैसे, उसके लिए हम निकालेंगे माध्य आवर्तकाल, ठीक है, माध्य आवर्तकाल, ठीक है। माध्य आवर्तकाल कैसे निकालते हो बच्चे आप? जैसे हम लोग पिछला देखे थे टी मीन, ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब आपको ढेर सारे ऑब्जर्वेशन पता हो, प्रेक्षण पता हो, एक से ज्यादा पता हो तब, ठीक है, एक पता हो तो सिंपली जैसे पिछला वाला किया अभी अभी हमने, लेकिन अगर ज्यादा पता एक से ज्यादा है तब आप ऐसे करिएगा टी मीन निकालिए। तो कैसे करेंगे, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर और प्लस टी फाइव और अपॉन में कितनी बारी है, पांच बार है, पांच से डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व करिएगा, दशमलव के दो स्थान तक है तो आंसर भी आप दशमलव के दो स्थान तक दीजिएगा, ठीक है, राउंड अप करके दशमलव के दो स्थान तक दीजिएगा। फिर इसके बाद जब आपको टी एम की वैल्यू मिल जाएगी, इसको टी एम कहते हैं, टी एम की वैल्यू मिल जाएगी तब आप इससे आप निकालेंगे प्रत्येक मान की निरपेक्ष, प्रत्येक मान की निरपेक्ष त्रुटियां क्या क्या है। जैसे मान लिया डेल्टा टी वन निकालना है, डेल्टा टी वन तो कैसे निकालिएगा, आप लिखिएगा टीएम, ठीक है, टीएम डिफरेंस ऑफ डेल्टा, डिफरेंस ऑफ टी वन, तो डेल्टा टी वन कैसे निकलेगा, टीएम डिफरेंस ऑफ टी वन। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू टीएम से टीएम की वैल्यू आ जाएगी और टी वन की वैल्यू अगर इससे बड़ी होगी तो माइनस मत लाइएगा, माइनस में ना आकर के प्लस में ही आएगा, लिख लीजिएगा। इस तरीके से टी टू निकाल लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से टी थ्री निकाल लीजिएगा, इस तरीके से टी फोर निकाल लीजिएगा और यहाँ पे टी फाइव निकाल लीजिएगा। ये कहानी आपकी इस तरीके से आगे बढ़ेगी, यहाँ पे टी टू लिखिएगा, टीएम डिफरेंस ऑफ टी थ्री लिखिएगा, टीएम डिफरेंस ऑफ टी फोर लिखिएगा और टीएम डिफरेंस ऑफ टी फाइव। जो भी वैल्यू आई होगी यहाँ पर टी वन टी टू सब यहाँ पड़ा है, घटा घटा करके आप सारी वैल्यूज लिख लीजिएगा यहाँ से, ये आपका काम। जब ये सारी वैल्यूज तैयार हो जाएंगी तो आप इसका क्या निकाल लीजिए, माध्य निरपेक्ष, अब इसका भी माध्य निरपेक्ष निकालिए। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालिएगा, तो आप लिखेंगे डेल्टा टी एम, इसको लिखेंगे डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टी टू प्लस डेल्टा टी थ्री, ठीक है, प्लस डेल्टा टी फोर प्लस डेल्टा टी फाइव अपॉन फाइव। तो ये जो भी वैल्यूज आएंगी इसको सब ध्यान दीजिएगा, सब मॉड में होगा, मतलब इसमें ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, कि जो भी वैल्यू आएगी अगर नेगेटिव यहां पे आपकी भले आ जाए लेकिन यहां पे आप नेगेटिव नहीं रखिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपको निरपेक्ष त्रुटि मिल जाएगी। फिर आपको निकालना है आपेक्षिक, फिर आपको निकालना है आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, तो कैसे निकालिएगा, तो ये निकालने के लिए आप डेल्टा टी एम अपॉन टी एम इंटू हंड्रेड, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे डेल्टा टी एम की वो ऊपर रखिएगा। याद रखें कि ये भी दशमलव के कितने स्थान तक देंगे आप, दशमलव के दो ही स्थान तक देंगे, क्योंकि ये वैल्यू भी दशमलव के दो स्थान तक है, तो आप ये भी दशमलव के दो स्थान तक ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आप यहाँ पर जो भी वैल्यू लाएंगे वो आपका आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका ये मैंने जो दूसरा वाला दिया था, और निरपेक्ष त्रुटि जो होगी वो यहीं पर आपकी निकल जाएगी। इसका स्वरूप अगर लिखना हो, इसका स्वरूप मतलब मैं बता दूं इसका स्वरूप कैसे लिखते हैं, तो यहीं पे दिखा देता हूं, इसका स्वरूप त्रुटि का स्वरूप कैसा होता है, त्रुटि का जो स्वरूप होगा वो लिखने का तरीका जो होता है वो होता है टी एम प्लस माइनस डेल्टा टी एम, ये लिखने का स्वरूप होता है
टीएम प्लस माइनस डेल्टा टीएम। एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हैं, आंसर आपका यहीं पर बच्चों आ जाएगा, ठीक है, और एक आंसर यहां आएगा। क्लियर बात, तो ये हो गया आपका। जैसे ये हो जाता है तो अब हम चलेंगे टूटी के सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए परमिसिबल एरर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें त्रुटियों का सर्वजन करें, ठीक है। जितने भी हमारे पास अलग अलग राशियां होती हैं, उन राशियों की सहायता से हम किसी अन्य राशि में होने वाली त्रुटियों का गणना हम अनुमेय त्रुटि में करते हैं। फिर से बता रहे हैं, अलग अलग राशियों के मापन से होने वाली अन्य भौतिक राशि के मापन में आने वाली त्रुटियों का आकलन हम अनुमेय त्रुटि में करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप ये जान लें कि भिन्न भिन्न राशियों के मापन से अन्य राशि के मापन में त्रुटि त्रुटि अनुमेय त्रुटि कहलाती है, परमिसिबल एरर त्रुटि कहलाती है। जो अब यहां से अगर मैं बात करूं कि कैसे करेंगे, तो इसका हम संयोजन करेंगे, तो त्रुटि का संयोजन अनुमेय त्रुटि कैसे होगी, तो त्रुटियों का संयोजन दिखाते हैं। कैसे, पहला योग में त्रुटि, योग में त्रुटि मतलब एरर इन एडिशन। यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात बच्चों, यहां से शुरू हो जाती है आपकी, और जोड़ने में कैसी त्रुटि आ रही। मान लेते हैं कि मेरे पास, मान लेते हैं कि मेरे पास दो राशियां हैं, ठीक है। यदि दो राशियां, दो राशियां क्या है, ए व बी, तब इनका योग फल x होगा, ठीक है, x होगा। तो यहां से x इज इक्वल टू हम a प्लस b लिख सकते हैं। अगर इसे त्रुटि के स्वरूप के रूप में लिखें तो कैसा लिख सकते हैं बच्चों, याद है आपको ना, प्लस माइनस के फॉर्म में। अगर इसमें अगर त्रुटि होगी, इसमें त्रुटि होगी, तो इसमें भी त्रुटि आएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x। ये इसका मान है और ये इसकी निरपेक्ष त्रुटि। इज इक्वल टू, इसको अगर त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, बच्चों ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स। प्लस माइनस का मतलब ये आगे और पीछे दोनों साइड हो सकता है। यहां पे आइए बच्चों, अगर मैं यहां पे बात करूं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा बी बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा इसको सेट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, एक साथ ए और बी, और यहां पे प्लस माइनस डेल्टा है, यहां पे प्लस माइनस डेल्टा है, तो हो जाएगा प्लस, और फिर यहां पे आपका हो जाएगा डेल्टा ए, ठीक है, और फिर प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी, और यहां पे आपका ये प्लस है, और फिर ए प्लस बी, ये हो गया। क्लियर हो रही है बात। यहां पर ये वाला जो फैक्टर आप देख रहे हो, ये वाला फैक्टर एरर है, ये उसकी मुख्य माप है, यहां पे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। यहां पे बच्चों, यहां पर भी आप माइनस लगा सकते हैं और यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिएगा, त्रुटि यहाँ पे जुड़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर तो बराबर है, क्योंकि ये योग है, ये भी योगी है, ये योग को बताता है। देखिए, तो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हो गया ब्रैकेट, ठीक। तो इसे कहते हैं त्रुटि। कौन सी त्रुटि है, निरपेक्ष। अगर इसका अपेक्षित त्रुटि निकालना होगा तो इसका अपेक्षित, इसी की अपेक्षित को हम लोग अनुमेय कहेंगे। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, मतलब कुल योग से भाग कर दीजिए। फिर यहां पर यही काम यहां भी करिए, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी, टोटल से भाग कर दीजिए। ये एरर का तरीका हो गया, ठीक, ये एरर का तरीका हो गया। तो आप क्या कर लेंगे, ऊपर के दोनों राशियों को जोड़ करके ए प्लस बी से कर देंगे डिवाइड, तो ये हो गया योग में त्रुटि। इसी प्रकार से मैं अगर अंतर में त्रुटि,
ये अधिकतम त्रुटि कहलाती है, याद रखिएगा अधिकतम त्रुटि। अगर इसका प्रतिशत त्रुटि निकालना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 यहां पे कर लीजिएगा, मॉड लगा दीजिए, और फिर यहां पर आप लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से आपकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। थोड़ा अब त्रुटियों के संयोजन में योग के बाद बात आती है अंतर की, तो यहां पे बच्चों दूसरा है अंतर में त्रुटि। अंतर का मतलब यहां पे बच्चों हो जाएगा ये आपका बस सब्सट्रैक्शन, यहां पे क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, सब कुछ यही है। योगफल की जगह पे बच्चों यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, अंतर, अंतर एक्स होगा। ठीक है, तो यदि दो राशियां ए और बी है तो ये दो राशियां अंतर देंगी एक्स, और फिर जहां पर आप ये लिख करके हो वहां पे आप ये लिख दीजिएगा माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर प्लस और यहां पर आप लिख सकते हो माइनस और प्लस, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, फिर यहां पर आप इसको प्लस माइनस रहने दीजिए, यहां पे माइनस प्लस कर लीजिए बच्चों। ठीक, यहां पर भी क्या कर लीजिए माइनस प्लस कर लीजिए। ठीक है, यहां पर ये प्लस ना होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंतर से बात हो रही है, यहां पर भी बच्चों माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि योग में ही अंतर है, यहां माइनस प्लस थी। अब क्या करेंगे, अगर हम अधिकतम त्रुटि की बात करेंगे तो अधिकतम त्रुटि में आप प्लस लेंगे, और न्यूनतम त्रुटि की बात करेंगे तो माइनस। अगर अधिकतम त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इंटू 100, और अगर आप न्यूनतम त्रुटि की बात करेंगे तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और यहां पे बच्चों माइनस ही होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो जहां अंतर की बात होती है वहां पर माइनस माइनस नीचे माइनस ऊपर भी लगा हुआ है। अधिकतम त्रुटि करेंगे तो आप ऊपर के हिस्से से त्रुटि ऐड ही करेंगे, लेकिन नीचे अंतर हो रहा है तो राशियों का अंतर निकालेंगे और इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा आपका परसेंटेज में आ। तो बात क्लियर हो गई, अगर हमें अधिकतम निकालना होगा इसमें तो अधिकतम त्रुटि आप डेल्टा ए प्लस ही करेंगे। ठीक है, एरर हमेशा प्लस ही करेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी, और अगर हमें न्यूनतम त्रुटि निकालनी होगी तो ऊपर ए माइनस जाएगा, नीचे अंतर है तो अंतर के लिए ए माइनस बी, ये हमेशा वैसे ही रहेगा अंतर वाली त्रुटि में। ठीक है, अब आइए देखते हैं फटाफट से गुणन में त्रुटि। गुणन में त्रुटि, अगर हमारे पास कोई राशि है और वो राशियां फिलहाल के लिए तीन है या दो है तो हम उसको कैसे एरर के रूप में निकालेंगे। ठीक है, मान लेंगे, वैसे ही माना दो राशियां क्या है, जैसा हमने पिछला माना राशियां ए व बी है जिनका गुणनफल, जिनका गुणनफल क्या है x है। ठीक है, तब आप क्या लिखेगा, x इज इक्वल टू बच्चों a डॉट b। ठीक, x कोई रिजल्ट है, a कोई राशि है जिसको मापा गया, b भी मापा गया, इसको एरर के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अथवा करके बच्चों इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a लिख सकते हैं, और इसको भी डॉट करके b प्लस माइनस डेल्टा b लिख सकते हैं। क्लियर ना, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए बच्चों तो ए बी आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका आएगा प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा बी, और फिर आप इसका इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका इससे, तो फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करिए प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट बी, और फिर इसके बाद इसका इससे करिए तो प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। एक बात मैं बता दूं कि डेल्टा का मतलब अल्पतमांक, ये भी अल्पतमांक, जब दो अल्पतमांक मल्टीप्लाई होंगे दो एरर बहुत छोटे होते हैं मल्टीप्लाई होंगे तो उसको हम लोग नेग्लेजिबल मानते हैं, इसको हम लोग क्या मानेंगे नगण्य, इसलिए हम एरर में कि जो बहुत छोटी राशि होती है उसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, ए बी ए और ये एक्स,
एक ही चीज है बच्चों, मैं बता दूं ये गुणनफल को ही बताता है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब हटा सकते हैं आप इसको यहाँ से, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डॉट डेल बी, ठीक है। और यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, और प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट बी, यहां से मैं इसको एरर के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन लेकिन इससे काम बनेगा नहीं, मुझे अधिकतम से त्रुटि चाहिए। तो मैं कैसे लिख सकता हूं अधिकतम त्रुटि के रूप में, तो ये देखिए क्या यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करिए, अथवा अथवा इसका हम एक काम करते हैं, एबी से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, एबी का मतलब यही होता है, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए डॉट डेल बी अपॉन ए बी से यहाँ डिवाइड कर दिया, प्लस माइनस यहाँ पे डेल्टा ए डॉट बी और यहाँ पे भी ए बी से डिवाइड किया, ए कैंसिल बी बी कैंसिल, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचा बच्चों, डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये हो गया आपका निरपेक्ष त्रुटि। अब इसी का प्रतिशत निकालना होगा, प्रतिशत के रूप में निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना है, प्रतिशत के रूप में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू इंटू 100 कर दीजिए, तो यहाँ पर डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 यहाँ पे, और फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया प्रतिशत के रूप में, जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो होगी प्रतिशत के रूप में। तो इस तरीके से आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, जो भी अल्पतमांक आपके पास मौजूद है उस अल्पतमांक पर और वैल्यू का सहारा लेकर के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये गुणन में त्रुटि होगी प्रतिशत, और ये सिर्फ त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि होगी, ठीक। नेक्स्ट है गुणन में त्रुटि, ठीक है। तो गुणन में त्रुटि के बारे में और आपके घात में त्रुटि के बारे में अब हमें बातें करनी है, वो दोनों बातें होंगी अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉन्टेक्ट करिए, और तब तक खुश रहिए।